फ्रेंड्स, मैं रोहित तोमाच, आपका ढेर सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईफोन SE 2 के बारे में। बिकॉज आज को तो पता ही है कि भैया आजकल इतने मार्केट में रूमर्स फैल रहे हैं आईफोन SE 2 के बारे में। तो कल ही की बात है, मैं कल नेट पे बैठा था, मैंने चेकआउट किया कि आईफोन SE 2 स्पेसिफिकेशन, तो वहां पर लिखा हुआ था कि भैया आईफोन SE 2 कैमरा इज लाइक के 11 प्रो। तो मैंने कह दिया भैया ना, आईफोन इतना दिलदार हो गया है, ठीक है, एक बजट फोन में ये आईफोन जो है ऐसी इतना बजटेबल फोन में आईफोन 11 प्रो वाला कैमरा कब से होने लग गया, मुझे बता दे ये कौन दे देगा भाई। आईफोन इतना दिलदार हो गया तो भैया हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है। और दूसरी एक और रूमर था कि भैया 15 अप्रैल को आईफोन SE 2 आ रहा है, जबकि अमेरिका की हालत आप सबको पता है, कितने लाखों लोग मर चुके हैं, उसके बावजूद आईफोन SE 2 रिलीज करना, इतनी बेवकूफी कभी आईफोन नहीं करेगा। तो ये सारे रूमर्स को तो भैया रखिए साइड, इन पर विश्वास मत कीजिए, ठीक है। आज मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताने वाला हूँ जो आईफोन SE 2 की स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो मुझे बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ पता चली है आईफोन SE 2 में कौन कौन सी चीजें नहीं आने वाली है, कितनी चीज आईफोन चेंज करने वाला है SE 2 में। तो चलिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मगर अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना अगर अच्छे लगे। मैं आपको बताता हूँ कि भैया आईफोन SE में क्या क्या चीजें नहीं आने वाली। तो पहले तो भैया अगर बात करें कि आईफोन जो SE है वो किस बेस पे इस बार आने वाला है, अगर आईफोन SE था जो ये 5 और 6S को लेकर बनाया गया था, ठीक है, आईफोन 5S का इसमें लुक था और 6S वाले फीचर थे, मगर इस बार जो आईफोन आने वाला है SE 2 उसमें 7 और 8 को लेकर बनाया गया है। बोले तो भैया इस बार आईफोन जो आएगा SE 2 उसका जो लुक होगा वो बिल्कुल आईफोन 8 जैसा होगा, जिसकी डिस्प्ले साइज होगा 4.7 इंचीस। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो आपको बता रहा हूँ, 4.7 इंच का आईफोन SE 2 आने वाला है, और इसी में जो प्रोसेसर होने वाला है 8/13 चिपसेट, जिसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 GB रैम चाहिए। तो ये 3 GB रैम आपको आईफोन SE 2 में मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, अगर हम कैमरे की बात करें तो आईफोन SE जहां 2016 में हमें 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिला था विद अपर्चर f2.4 के साथ, तो मगर इस बार क्या हमें नया मिलने वाला है मैं आपको बताता हूं। इस बार हमें 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा पीछे देखने को मिलने वाला, अपर्चर आपको बहुत कम मिलने वाला है 1.7 जो आईफोन 8 में था। तो इससे क्या होने वाला है, आपका डेप्थ ऑफ द फील्ड और ज्यादा अच्छा होगा और जो नॉइस होती है नॉइस रिडक्शन और ज्यादा कम हो जाएगी, मतलब आप जो लो लाइटिंग में फोटो खींचोगे तो आपकी और ज्यादा अच्छी आएगी, बिकॉज अपर्चर जितना कम होता है उतनी ज्यादा नॉइस कम होती जाती है, और आपकी लो लाइट हो या डेप्थ अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो तो उसमें आपकी और ज्यादा अच्छी फोटोज आती है। तो इस बार ये आपको चीज मिलने वाली आईफोन SE 2 में। और अगर सेल्फी कैमरे के बारे में बात करें तो SE था जो 2016 में आया था उसमें 1.2 मेगापिक्सल कैमरा था, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया था, बिकॉज मैं जब भी सेल्फी लेता था मुझे बड़ा घटिया लगता था, ठीक है, क्योंकि उसका अपर्चर भी काफी ज्यादा था और एक तो 1.2 मेगापिक्सल कैमरा था, ठीक है, उसका अपर्चर था 2.7, ठीक है, काफी ज्यादा। और इस बार जो हमें मिलने वाला वो है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद अपर्चर f2.2, मगर अपर्चर थोड़ा कम कर दिया गया है तो कैमरे को थोड़ा इंप्रूव कर दिया गया, इससे आपकी फोटोग्राफी और ज्यादा इंप्रूव हो गया। फ्रेंड्स, अगर हम बैटरी की बात करें तो इस बार बैटरी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, जहां हमें आईफोन SE में हमें पहले 1600 की देखने को मिलती थी, तो इस बार हमें आईफोन SE 2 में बैटरी 1800 की मिलने वाली है, और साथ ही हमें इसमें फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है विद 20 वाट का चार्जर मिलने वाला है, जहां पहले हमें 2.5 वाट का चार्जर मिलता था, इस बार हमें 20 वाट का चार्जर मिलने वाला है, जिसमें हमारी 50% चार्जिंग 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, विद वायरलेस चार्जिंग भी हमें सपोर्ट मिलने वाला है इस बार आईफोन SE 2 में। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्राइस को लेके, तो मैं आपको पहले ही बता दूं जो आईफोन जब SE जो 2016 में आया था उसका बेसिक वर्जन का प्राइस रखा गया था 39,000, जो 16 GB मिलता था, और अगर हम उसके ऊपर की बात करें 32 GB तो वो 49,000 का था, मतलब 10,000 उसके ऊपर हमें डालना पड़ता था, मगर इस बार हमें जो आईफोन SE 2 मिलने वाला है थोड़े कम बजट में मिलने वाला है बिकॉज ऑफ आईफोन XR और आईफोन 11, बिकॉज जो आईफोन 11 का प्राइस है वो है 63,000 आपको पता है, और XR का प्राइस आज 49,000 है, बिकॉज अगर आईफोन SE 2 इतना ज्यादा प्राइस रख दिया जाएगा तो कोई लेगा ही नहीं, बिकॉज इसलिए आईफोन जो SE 2 आने वाला है 30,000 के बजट में आने वाला है, और जो उससे ऊपर होगा वो 35 तक में आएगा, बिकॉज आईफोन को अपना एक प्राइस क्राइटेरिया मेंटेन रखने के लिए यही प्राइस उसे लॉन्च करने ही पड़ेंगे। और ये जो फोन लॉन्च होने वाला है, मैं इतना एक्सपेक्ट आपको बता सकता हूं कि मई और जून के लास्ट में ही आएगा, जब अमेरिका की हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिकॉज आईफोन कभी भी अपना लॉस नहीं लेगा ऐसी चीजों में, बिकॉज जब तक अमेरिका की हालत ठीक नहीं होगी आईफोन कभी नहीं उतारेगा फोन, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जैसी हालत ठीक होगी तभी आईफोन उठाएगा, बिकॉज आईफोन की एक जो वो क्रेज होता है वो पहले पहले ही में ही क्रेज होता है, जब भी आईफोन लॉन्च होता है तो फर्स्ट टाइम हर कोई बाय करना चाहता है, तो वो क्रेज वो खत्म बिल्कुल नहीं करेगा और वो फोन मई या जून के लास्ट में उतारेगा। तो सच सच बताना आईफोन SE 2 के लिए कौन ज्यादा एक्साइटेड है, ठीक है, बिकॉज मैं तो एक्साइटेड हूं। और अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरी अगली वीडियो को लेकर, आपको कुछ हो कि भैया इस पर वीडियो बना दो रोहित भाई, तो प्लीज नीचे कमेंट
बॉक्स में बिल्कुल लिखना ना भूले। और मैं इंस्टाग्राम पे डेली 9 बजे लाइव आता हूँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी, वहां पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि हम रूबरू एक दूसरे से हो सके रात को 9 बजे, या मतलब कहीं भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, मगर मैं इंस्टाग्राम पे 9 बजे डेली लाइव आता हूँ, तो वहां मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा आपकी बातों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।